सिरसा के नागरिक अस्पताल में आए एक युवक को कोरोना वायरस का संभावित मरीज मानकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। युवक के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए दिल्ली भेजे गयी। प्रदेश में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है, जिसको लेकर विदेश से भारत आए हर नागरिक पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो उन पर विभाग की कड़ी नजर है। ताजा मामला सिरसा की संभ्रांत कॉलोनी का है, जहां एक युवक को कोरोना के लक्षण पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जांच के लिए उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मामले में युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टरों के मुताबिक युवक कुछ दिन पहले ही इटली और रोम में घूमकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में युवक लगातार था। मरीज को अचानक खांसी और जुकाम की समस्या हुई, जिसके बाद मैं नागरिक अस्पताल में आया, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इंसिडेंट है, मेरे पास एक इटली से ट्रेवलर थे, उनको रजिस्टर्ड थे हमारे पास और 3 दिन पहले उनको कोई खांसी जुकाम का शिकायत हुई थी, तो हमने यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उनको रख लिया था और उनका सैंपल ले लिया था। कल सैंपल की रिपोर्ट आ गई, वो नेगेटिव है। हमारे यहाँ पे कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे को रिपोर्ट कर देते हैं। वैसे ही हमारे जो अधिकारी हैं वो डेली बेसिस पे जितने भी ट्रेवलर्स हैं उनसे 2 बार दिन में बात करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उनको लेके आते हैं और यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उनको आइसोलेट किया जाता है। उनका सैंपल लेके आगे भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। अभी तक कोई नहीं मिला जी, मैंने 3 टेस्ट भेजे थे, 3 नेगेटिव आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना के संदिग्ध 2 युवकों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है।